केरला स्टोरी है रिलीज के साथ ही विवादों में चल रही है। उसका बॉक्स ऑफिस पर शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। हर दिन फिल्म जबरदस्त कमाई कर रही है, तो वही 100 करोड़ के बाद अब 150 करोड़ के आंकड़े को भी द केरला स्टोरी ने पार कर लिया है। इसी के चलते आज हम आपको बताएंगे कि आखिरकार द केरला स्टोरी ने 12 दिनों में कितनी कमाई की है और कौन से दिन कितनी कमाई की है। आपको बता दें कि रुझानों के अनुसार सुदीप्तो सेन की डायरेक्ट की गई फिल्म द केरला स्टोरी ने 12वें दिन 9 करोड़ 80 लाख रुपए की कमाई की है, जिसके बाद फिल्म ने 150 करोड़ का आंकड़ा पार करते हुए 156 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर ली है। वहीं इस आंकड़े के बाद फिल्म साल 2023 की 5वीं सबसे बड़ी ओपनर फिल्म बन गई है। कमाई की बात करें तो पहले दिन केवल 8 करोड़ 3 लाख रुपए की ओपनिंग करने के बाद फिल्म ने दूसरे ही दिन 11 करोड़ 22 लाख रुपए कमाए थे और तीसरे दिन यह आंकड़ा बढ़ते बढ़ते 16 करोड़ 40 लाख हो गया था और चौथे दिन की कमाई भी 10 करोड़ से ज्यादा की थी। पांचवें दिन यह कमाई 11.25 करोड़ के आसपास पहुंची, तो छठे दिन 12 करोड़ कमाए, लेकिन सातवें दिन जहां 12.5 करोड़ कमाए तो आठवें दिन भी 12.25 करोड़ रुपए कमाए और नौवें दिन आप हैरान रह जाओगे जानकर कि फिल्म ने 19.5 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया और दसवें दिन 24 करोड़ का कलेक्शन किया और 11वें दिन आते आते यह फिल्म 10 करोड़ 30 लाख रुपए का कलेक्शन कर चुकी थी। गौरतलब है कि द केरला स्टोरी में एक्टर्स अदा शर्मा, योगिता बिहानी, सोनिया बलानी और सिद्धि इदनानी नजर आ रही है। वहीं फिल्म की बात करें तो कहानी के चलते फिल्म का कई जगह विरोध भी देखने को मिल रहा है। हालांकि बॉक्स ऑफिस पर कमाई के मामले में फिल्म बड़ी बड़ी फिल्मों को पीछे छोड़ रही है। कम बजट में बनी यह है द केरला स्टोरी फिल्म तब मशहूर होने लगी जब इसकी एंट्री राजनीति में हो गई। हालांकि आपको बता दें कि द केरला स्टोरी को इतना फेमस होने का कारण एक ये भी है कि जिस तरह से डायरेक्टर ने जानबूझकर और एक सोची समझी रणनीति के तहत पहले टीजर और ट्रेलर रिलीज किए गए, तो उनमें 32,000 लड़कियों का आंकड़ा दिया गया। हालांकि बाद में कोर्ट में माफी मांगते हुए यह तक कह दिया कि यह फिल्म केवल काल्पनिक है और यह 32,000 लड़कियों की नहीं है, बल्कि केवल 3 लड़कियों पर आधारित कहानी है और इसमें सारे पात्र काल्पनिक है। यह कहते हुए कोर्ट में माफी भी मांगी थी, लेकिन राजनीति में इस फिल्म की एंट्री होने के बाद फिल्म का जो बजट था उससे कई गुना कलेक्शन कर गई बॉक्स ऑफिस पर और अभी भी लगातार 13वें दिन भी बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर रही है द केरला स्टोरी। आपको बता दें, इससे पहले ऐसे ही सहानुभूति लोगों को द कश्मीर फाइल्स पर मिली थी, जिस तरह द केरला स्टोरी पर मिल रही है। और जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक फिल्म की तारीफ और प्रमोशन कर चुके हैं, और यही कारण है कि द केरला स्टोरी को पश्चिम बंगाल में बैन भी किया गया है। लेकिन उसके बावजूद हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में द केरला स्टोरी को टैक्स फ्री किया गया है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। दोस्तों, इस पर आप क्या कहते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए सच की आवाज़।